जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यारे भक्तगणों, आप सभी को पौष महीने की पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा एक साथ। इन कथाओं को व्रत के दौरान अवश्य सुने। भगवान आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। पौष महीने की शुक्ला पक्ष की इस एकादशी का व्रत निसंतान को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने में समर्थ है। संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा एवं प्रगति के लिए प्रत्येक नर नारी को यह व्रत करना चाहिए। आज सूरदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एक दिन अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, दशी का महात्मा विधि सहित कह कृतार्थ किया है। अब आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाए। उस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी विधि क्या है? इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष की शुक्ला पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पर और अजर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है कि एक कथा है, उसे सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी एक स्त्री थी, उसका नाम सौव्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितर रो रोकर पिंड लेते थे, इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी बंधु बांधव मंत्री मित्र राज्य हाथी घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। पुत्र बिना पितरों और देवताओं ऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपने शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिपकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन, पंछियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहे हैं। वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे थे और कहीं मोर ध्वनि कर रही है। वन के दृश्यों को देखकर राजा को सोच विचार में दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेकों यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन करवाया है, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। राजा प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारस हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा, दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वर, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं? सो मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य पुत्र होगा। मुनि के वचनों की कथा अनुसार राजा ने उस दिन पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके
अपने महल को वापस आया। रात्रि में रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके उत्तम पुत्र रत्ना पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अंत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्मय हुआ श्रवण पठन करते हैं उसको स्वर्ग मिलता है। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय। सनकादि कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। ये विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषों को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए तथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण है। इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुल योगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हो उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतर में यह संवाद भेजना चाहिए कि यह कथा होगी। सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। जो स्त्री और छूद्र आदि भगवत कथा एवं सकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए। इस देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हो उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजे। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभाव, यह 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भगवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, अतः श्रीमद् भगवत मृतिका पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश ना हो तो भी 1 दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वही कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दे। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर ले। केले की खामों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराए। उसे सब और फल, पुष्प, पत्र और चादुवे से अलंकृत करे तथा चारों ओर झंडिया लगाकर तरह तरह के सामान से सजा दे। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोगों की कल्पना करे और उनमें विरत ब्राह्मणों को बुलाकर बैठाइए। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार रखे। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करे। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वभिमुख होकर बैठे और यदि वक्ता पूर्वभिमुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्वमुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभाव ने श्रोताओं के लिए ऐसा ही नियम बताया गया है जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत ऐसे विरक्त
और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट एवं पाखंडे प्रचार के हो। वक्ता के पास ही उनकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संचय की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। यह प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत करने के लिए वक्ता को छोर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समान शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करे। अंतर प्रीत गण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्राश्चित करे और एक मंडप बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करे। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रो उच्चारण पूर्वक क्रमशः पुरुषो उपचार विधि से पूजन करे और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करे। करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रतिपूर्वक विधि विधान से पूजा करे। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करे और प्रसन्नचित चित से इस प्रकार स्तुति करे। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात कृष्ण चंद्र ही विराजमान है। नाथ, मैंने भव सागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सगोपांग पूरा करे। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करे, उसे सुंदर वस्त्र भूषणों से विभूषित करे और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करे। सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में परंगत है। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करे। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करे और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करे। कथा में विघ्न ना हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वरण करे। साक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करे। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करे और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाए। जो पुरुष लोग संपत्ति धन घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्धि चित से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। धीमान वक्ता को चाहिए कि सूर्य उदय से कथा प्रारंभ करके 3:30 तक मध्य स्वर से अच्छी तरह कथा बाजे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णव को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ बातें नहीं करना चाहिए। कथा के समय मल मूत्र के वेगों का काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है। ये श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान भोजन करे। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करे अथवा फलहार या एक समय ही भोजन करे। इससे जैसा नियम सुभीते से सद सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करे। मैं तो उपासक की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती हो तो वह किसी काम का नहीं।
नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुष के लिए नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचार्य रहना चाहिए। भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पटल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इनका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और देश को तो अपने पास भी नहीं भटकने देना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजवाला स्त्री, अंत्यज्ञ, मलेच्छ, पतित, गायत्रीहीन, द्विज, ब्राह्मणों से देश करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोगों से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करे। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बाज हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अच्छे फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अति उत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो, वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त है, उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र है कि वे तो निष्काम भागवत भक्त है। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए, तब श्रोताओं को अंत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झाझकी मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराए तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दे। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें। गृहस्थी हो तो हवन करें। उस हवन में तुम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्न आदि सामग्री से आहुति दे अथवा एकाग्रचित चित से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करे, क्योंकि तत्वः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति ना हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करे तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए विधि में फिर जो न्यूनाधिकता रह गई हो, उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और स्वर्ण का दान करें। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाए, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद भागवत की पोथी रखकर उसकी आह्वान आदि विविध उपचारों से पूजा करे और फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि से पूजन कर दक्षिणा के सहित अर्पण कर दे। तो करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह परायण की विधि सब पापों की निवृत्ति कराने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भगवत पुराण
अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। सनकादि कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी पूरी सुना दी, अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भगवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, जो कहकर महामुनि सनकादि ने एक सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशिनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान कराने वाली भगवत कथा का प्रवचन किया, प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुष उत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब सजीवों का चित अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई, उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परम आनंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पाप हारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई है। तपोधनो, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ यानी गोलक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो जी कहते हैं, सौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी जो कह ही रहे थे, वहां घूमते फिरते योगेश्वर गुरुदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही नंदन श्री सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की सी आयु, आत्मा लाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवऋषि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुख पूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रसी रस है, इसमें न छिलका है न गुठली, यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। महामुनि व्यास देव ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धंत कारण सत्पुरुषों के जाने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तपों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्य आत्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अभिलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। यह भगत पुराणों का तिलक और वैष्णव का धन है। इसमें परम हंसों के प्राय विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक सत्यलोक कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है, इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो। कहते हैं श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद बलि
उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्रीहरि प्रकट हो गए। तब देव ऋषि नारद ने भगवान और उनकी भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देव ऋषि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झाझो उठा ली। देवऋषि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर्ण विज्ञान गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। सबके बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटोके के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारे इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने बस में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। प्रेम भरी चित से भगवान से कहने लगे, भगवान हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ता कथा हो वह आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारे, हमारे यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लज्जे करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथामृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भगवत का सेवन करने से श्रीहरि वैष्णव के हृदय में आ विराजे हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वरी की ज्वाला से दंग हो रहे हैं, हिमाया पिचासनी ने रॉड डाला है, तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका कल्याण करने के लिए मत भगवत सिंहनाद कर रहा है। सौनक जी ने पूछा, सुत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण धुंधकारी को, सनकादि नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था? यह संचय दूर कीजिए। सुत जी ने कहा, भगवान कृष्ण के स्वधा मगमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित की कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप सौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भगवत की कथा भाव रोग की रामबाण औषध है। सतजन आप लोग आदर पूर्वक इस कथा मृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? नेदूतों को हाथ में पासलिए देकर यमराज उसके कान में कहते हैं, तो जो भगवत की कथा वार्ता में मत हो रहे हो उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इस आसार संसार में विषय रूपी विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त
कुपर्थ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित है। सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। सोनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए द्वादश स्कंद रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतकरण भगवत के सामने इसे सुनता है, ये दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोक में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। प्रेम से बोली श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भगवत पुराण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। अनेक कथानुसार एक बार दैत्यराज जलंधर के साथ भगवान विष्णु को युद्ध करना पड़ा। काफी दिन तक चले संघर्ष में भगवान के सभी प्रयासों के बाद भी जलंधर परास्त नहीं हुआ। अपनी इस विफलता पर श्री हरि ने विचार किया कि यह दैत्य आखिर मारा क्यों नहीं जा रहा है। तब पता चला कि दैत्यराज की रूपवती पत्नी वृंदा का तप बल ही उसकी मृत्यु में अवरोधक बना हुआ है। जब तक उसके तप बल का क्षय नहीं होता तब तक राक्षस को परास्त नहीं किया जा सकता। इस कारण भगवान ने जलंधर का रूप धारण किया। वह तपस्विनी वृंदा की तपस्या के साथ ही उसके अस्तित्व को भी भंग कर दिया। इस कार्य में प्रभु ने छल व कपट दोनों का प्रयोग किया। इसके बाद हुए युद्ध में उन्होंने जलंधर का वध कर युद्ध में विजय पाई। और जब वृंदा को भगवान के छल पूर्वक अपने तप व अस्तित्व को समाप्त करने का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुई। वह श्री हरि को श्राप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ। इस श्राप को प्रभु ने स्वीकार किया और साथ ही उनके मन में वृंदा के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने उनसे कहा कि वृंदा तुम वृक्ष बनकर मुझ में छाया प्रदान करना। वही वृंदा तुलसी रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न हुई व भगवान शालिग्राम बने। इस प्रकार कार्तिक शुक्ला एकादशी को तुलसी शालिग्राम का प्रादुर्भाव हुआ। देव उठनी से 6 महीने तक देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है। अतः तुलसी का भगवान श्री हरि विष्णु शालिग्राम स्वरूप के साथ प्रतीकात्मक विवाह कर श्रद्धालु उन्हें वैकुंठ को विदा करते हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, तुलसी माता की जय। विष्णु जी ने नारद जी का घमंड तोड़ने के लिए अपनी माया से विश्व मोहिनी का नाम की राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित किया। नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा तो वे उस पर मोहित हो गए और उससे विवाह करने का मन बना लिया। विश्व मोहिनी के स्वयंवर में देव ऋषि नारद भी जाना चाहते थे, इसलिए नारद जी विष्णु जी के पास पहुंच गए। उनसे कहने लगे मुझे सुंदरता दे दीजिए जिसे देखकर विश्व मोहिनी मुझे विवाह के लिए चुन ले। विष्णु जी ने नारद मुनि को वानर बना दिया। नारद जी ने ऐसे ही स्वयंवर में पहुंच गए। स्वयंवर शुरू हुआ तो विष्णु जी भी वहां आ पहुंचे। विश्व मोहिनी ने नारद मुनि को नहीं बल्कि विष्णु जी को चुन लिया और वरमाला पहना दी। नारद मुनि को मालूम हुआ कि विष्णु जी ने उनका चेहरा वानर की तरह बना दिया है। इस बात से बहुत गुस्सा हो गए। गुस्से में उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया, अपमान करने लगे। और विष्णु जी नारद मुनि की बातें मुस्कान के साथ ध्यान से सुन रहे थे। नारद मुनि गुस्से में बोलते ही जा रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने मुझे धोखा दिया है, आप भगवान हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी ठग लेंगे। आज आपकी वजह से मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी स्त्री वियोग होगा। आपने मुझे बानर का चेहरा दिया है तो एक दिन आपको बंदरों की मदद लेनी होगी। ये सारी बातें लक्ष्मी जी भी सुन रही थी। देवी ने विष्णु जी से कहा कि आप इतनी बातें क्यों सुन रहे हैं। विष्णु जी ने देवी से कहा कि नारद मुनि से
स्तुति बहुत सुनी है, आज निंदा भी सुन लेते हैं। जब नारद जी शांत हुए तो विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका श्राप स्वीकार करता हूँ। इसके बाद भगवान ने उन्हें समझाया कि आप संत है, आपको घमंड हो गया है और आपके जैसे संत के लिए घमंड करना अच्छा नहीं है। इस वजह से मैंने आपका घमंड तोड़ने के लिए ही ये पूरी माया रची थी। वह राज्य, राजकुमारी, स्वयंवर सब मेरी माया ही थी। आप जैसे संत के मन में एक राजकुमारी के लिए काम वासना जागना सही नहीं है। आपको इन बुराइयों से दूर रहना चाहिए। नारद मुनि को विष्णु जी की बातें समझ में आ गई और उन्होंने क्षमा मांगते हुए बुराइयों से बचने के लिए विष्णु जी को धन्यवाद दिया। प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय। नारद जी बात बात पर नारायण नारायण कहा करते और इस प्रकार दिन में कई बार भगवान का नाम लेते थे। एक दिन उनके मन में यह विचार आया कि वह बहुत बार भगवान का नाम लेते हैं, अतः वही भगवान के सबसे बड़े भक्त है। यह सोचकर नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुँचे और पूछा, भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? विष्णु भगवान ने बताया, अमुक गांव का अमुक किसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद जी को बहुत धक्का लगा। उन्होंने भगवान जी के कथन की पुष्टि के लिए अपने को संभालते हुए भक्त किसान का नाम और पता नोट किया तथा उस किसान के गांव में चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि किसान ने सुबह 4 बजे उठकर 2 बार नारायण नारायण कहा, फिर नाद में भूसा खली व पानी डालकर बैलों को लगा दिया। दैनिक क्रिया के बाद सुबह का जलपान कर सूर्य उदय के साथ ही हल बैल लेकर खेतों में जा पहुंचा। पूर्वाह 10 बजे पत्नी द्वारा लाया कलेवा खाकर पुनः खेत में काम करने लगा। दोपहर में घर जाकर खाना खाया, सुरती खाया, बैलों को नाद पर लगाया। अपराह में खेती में जाकर काम किया। ठीक सूर्यास्त के पहले घर लौटा, हाथ मुंह धोकर खाना खाया, 2 बार नारायण नारायण कहकर सो गया। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसान द्वारा पूरे दिन में केवल 4 बार नारायण नारायण कहा, जबकि वे स्वयं दिन भर नारायण नारायण कहते हैं, किंतु उन्हें भगवान विष्णु अपना सबसे बड़ा भक्त नहीं मानते हैं। नारद जी ने अपनी आकांक्षा व व्यथा विष्णु भगवान को बताई। तब विष्णु भगवान ने नारद को एक पूरा जल भरा कटोरा दिया और कहा, इसको लेकर आप सूर्यास्त तक भ्रमण कीजिए, लेकिन ध्यान रहे इसमें से एक बूंद पानी भी न गिरने पाए। यदि ऐसा होता है तो मेरा सुदर्शन चक्र आपके पीछे रहेगा, एक बूंद भी पानी गिरा तो वह आपकी गर्दन काट लेगा। नारद जी ने जल भरा कटोरा लिया और सुबह से शाम तक भ्रमण किया। सुदर्शन चक्र ने पीछा किया, सूर्यास्त हुआ तो उन्होंने राहत की सांस ली, कटोरे से एक बूंद पानी नहीं गिरा, उन्होंने राहत की सांस ली। नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुँचे। विष्णु जी ने पूछा, भ्रमण कैसा रहा? नारद जी ने उत्तर दिया, आपके सुदर्शन चक्र व भरे पानी के कारण भ्रमण में तनाव बना रहा। विष्णु जी ने पूछा, भ्रमण में कितनी बार मेरा नाम लिया? तब नारद जी ने कहा, भगवान एक तो जल से भरा कटोरा लेकर चलना और उस पर आपके सुदर्शन चक्र का पीछे पीछे चलना, उसमें पूरा ध्यान इन बातों पर था, आपका नाम कहाँ से लेता? नारद जी ने उत्तर दिया। तब विष्णु जी ने कहा, इसी प्रकार गृहस्थ जीवन की अपाधापी आजीविका अर्जन की गला काट देने का भय वाली कठिनाइयों के बाद भी यदि किसान सुबह शाम मेरा नाम लेता है तो निश्चित रूप से ही वह सर्वश्रेष्ठ भक्त है। भगवान कहते हैं, जो अपने कर्म करते हुए भी मुझे याद करता है उसके द्वार पर उसके दुख हरने मैं स्वयं जाता हूँ, और जो फुर्सत मिलने पर मुझे याद करता है उसे दुख के समय मेरे द्वार पर आना होता है। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी, सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया, कारण जो भी रहा हो। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं,
तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता गया है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है, यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाए, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में ही गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दीजिए तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धस जाएगी, तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए न निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया, यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वह टूट फूट गए थे, उन्हें सुधारेगा कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे कारज सरियो, ऐसा कारज सबका सिद्ध कर जो, बोलो गजानन भगवान की जय। अटपट नगरी का एक गरीब ब्राह्मण लकड़ियों और घास के लिए हर रोज जंगल में जाया करता था। एक दिन उसने वहाँ वन देवियों को सूरज भगवान की पूजा करते हुए देखा। सूर्य नारायण के आह्वान का उनका अनुष्ठान अनूठा था। ब्राह्मण ने साहस जुटाकर उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग। तब उन्होंने उत्तर दिया, यह सूर्य नारायण का अनुष्ठान है। ब्राह्मण ने कहा, मुझे भी इसकी विधि बताइए। तब वन देवियों ने कहा, नहीं, यह बहुत शक्तिशाली अनुष्ठान है, यदि हम तुम्हें सिखा देंगे तो संभवतः तुम अहंकारी हो जाओगे और इसे विधि पूर्वक न करोगे। ब्राह्मण ने वचन दिया, नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं विनम्रता पूर्वक संपूर्ण विधि का भली भांति पालन करूंगा। तब वन देवियों ने कहा, उसे अनुष्ठान की विधि समझाई कि रविवार को चंदन सार से सूर्य नारायण का चित्र बनाकर उसे पुष्प और फल अर्पित करे,
उसके बाद 6 महीने तक हर रविवार को वह ऐसा ही करे। फिर उसके अगले 6 महीने गरीबों को दान करे। ब्राह्मण घर गया और रविवार से अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। उसके अनुष्ठान से सूरज भगवान बहुत प्रसन्न हुए। धन धान्य से ब्राह्मण का घर भर गया। उसे बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। एक दिन रानी ने उसे बुलवाया। राजमहल में जाते समय भय से उसकी टांगे कांप रही थी। रानी ने उसे बैठने को आसन दिया और सहृदयता से कहने लगी, डरने की कोई बात नहीं है। हमने आपको इसलिए बुलाया है कि हम चाहते हैं आप अपनी बेटियां हमें दे दे। ब्राह्मण सिसकते हुए कहा, मेरी बेटियां बहुत तंगी में बड़ी हुई है। राजवंश में उनके साथ चाकरों के समान आप व्यवहार करेंगे। रानी ने उसे आश्वस्त किया कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप चिंता ना करें, उनके साथ राजसी व्यवहार किया जाएगा। एक का राजा से विवाह होगा और दूसरी का मंत्री से होगा। ब्राह्मण ने खुशी खुशी रानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शीघ्र ही विवाह हो गए और ब्राह्मण की बिटिया ससुराल चली गई। पूरे 12 बरस ब्राह्मण उनसे मिलने नहीं आया। वह अपने काम और काज में और अनुष्ठान में व्यस्त रहता था। अंततः 12 बरस बाद उसने बेटियों से मिलने की सोची। पहले वह बड़ी बेटी के पास गया। बड़ी बेटी राजा से ब्याही थी। बेटी ने पिता को रत्नजड़ित चौकी पर बिठाया, सुगंधित जल से उनके हाथ पैर धुलवाए और मिठाई परोसी। ब्राह्मण ने कहा, जलपान से पहले तुम मेरी कथा सुनोगी? पर बेटी ने कहा, नहीं बाबा, आज मुझे अवकाश नहीं। महाराज अखेट के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। मुझे उनके खाने की व्यवस्था करनी होगी। ब्राह्मण को उसका व्यवहार बहुत अशिष्ट लगा। वह क्रोध होकर वहाँ से चल पड़ा। ब्राह्मण वहाँ से छोटी बेटी के पास गया, जो कि मंत्री से ब्याही गई थी। बेटी पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बेटी ने उसे नक्काशीदार चौकी पर बिठाया, सुगंधित जल से हाथ पाँव धुलवाए और उनके खाने के लिए मिठाई लेकर आई। ब्राह्मण ने कहा, बेटी, जलपान से पहले तुम्हें मेरी कथा सुननी होगी? बेटी ने कहा, हाँ अवश्य बाबा, कथा सुनकर मुझे प्रसन्नता होगी। यह कहकर वह घर के भीतर जाकर 6 मोती लेकर आई। 3 मोती पिता के हाथ पर रखे और 3 अपने हाथ में रखे। यह कथा ब्राह्मण ने आग से पहले किसी को नहीं सुनाई थी। उसने बेटी को बताया कि कैसे वह वन देवियों से मिला और कैसे उन्होंने उसे सूर्य नारायण का अनुष्ठान पूजन विधि बताया। बेटी ने एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुना। फिर ब्राह्मण ने मोदित मन से जलपान ग्रहण किया और घर लौट आया। पंडिताइन ने बेटी की कुशल क्षेम पूछी। ब्राह्मण ने उसे सारी बातें बताई और कहा कि बड़ी वाली मेरी बेटी ने मेरी कथा नहीं सुनी, उसे इसका फल भुगतना पड़ेगा। और वही हुआ। उसका पति सेना लेकर दूसरे राज्य पर आक्रमण करने गया था और वापस नहीं लौटा, पर दूसरी बेटी ने उसकी कथा सुनी थी, सो वह सुखी थी। उसकी स्मृति दिनों दिन बढ़ती गई। दुर्भाग्य से बड़ी बेटी का पिंड नहीं छोड़ा। उसके लिए एक एक दिन काटना दूभर हो गया था। एक दिन उसने अपने बड़े बेटे से कहा, घर में कुछ नहीं है, अपनी मौसी के पास जाओ और कोई उपहार लेकर आओ, वह जो दे घर ले आना। अगले रविवार को राजकुमार मौसी के घर गया। वहां वह तालाब पर गया और स्नान करने आई औरतों से पूछा, तुम किसके यहाँ काम करती हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम मंत्री की पत्नी की दासियां हैं। राजकुमार ने कहा, अपनी मालकिन से जाकर कहो कि उनकी बहन का बेटा आया है। ये भी कह देना कि उसके कपड़े फटे हुए हैं, इसलिए वो उसे पिछले दरवाजे से महल के भीतर आने दे। असिया उसे पिछले दरवाजे से भीतर ले गई। मौसी ने उसके नहाने के लिए सुवासित जल रखवाया, पहनने को नए कपड़े दिए और राजसी भोज करवाया।
उसने बेटे को मोहरों से भरा हुआ कद्दू दिया। वह चलने लगा तो मौसी ने कहा, इसे संभाल कर ले जाना, कहीं खो ना मत। पर रास्ते में सूर्य भगवान ने माली के भेष धारण करके मोहर से भरा हुआ कद्दू चुरा लिया। वह घर पहुंचा तो माँ ने उससे पूछा कि मौसी ने तुम्हें क्या दिया। राजकुमार ने खाली हाथ दिखाते हुए कहा, जो भाग्य ने दिया वह कर्म ने छीन लिया, मौसी ने जो दिया वह रास्ते में खो गया। अगले रविवार को रानी ने दूसरे बेटे को भेजा, वह भी शहर के तालाब पर गया और नहाने धोने आई औरतों से पूछा, तुम कहाँ काम करती हो। औरतों ने कहा, हम मंत्री की पत्नी की दासियां हैं। अपनी मालकिन से कहो कि उसकी बहन का बेटा आया है, उसे भी पिछले दरवाजे से भीतर ले जाया गया। नहाने और नए कपड़े पहनने के बाद राजकुमार ने भोजन किया। वह चलने लगा तो मौसी ने उसे मोहर से भरी हुई खोखली छड़ी दी और बोली, इसे संभाल कर ले जाना, कहीं खोना मत। रास्ते में सूरज भगवान ग्वाले का रूप धरकर आए और उसकी छड़ी चुरा लिए। वह घर पहुंचा तो रानी ने उससे पूछा कि मौसी ने तुम्हें क्या दिया। राजकुमार ने खाली हाथ दिखाकर कहा, जो भाग्य ने दिया वह कर्म ने छीन लिया। तीसरे रविवार को रानी ने तीसरे बेटे को भेजा, वह भी सीधे तालाब पर गया। मौसी ने उसकी भी वैसे ही खातिरदारी की, उसे नहलवाया, कपड़े दिए और खाना खिलाया। चलते समय उसने उसे मोहर से भरा हुआ खोखला नारियल दिया और कहा, इसे संभाल कर ले जाना, खोना मत। रास्ते में राजकुमार कुएं की जगह पर सुस्ताने के लिए रुका। जैसे ही उसने नारियल जगत पर रखा, वह लुढ़क कर कुएं में गिर गया, छपाक। वह घर पहुंचा तो रानी माँ ने पूछा कि वह क्या लाया है। राजकुमार ने जवाब दिया, जो भाग्य ने दिया वह कर्म ने छीन लिया। चौथा राजकुमार गया, तभी वही हुआ। उसे मोहर से भरा हुआ कुलहर मिला, जिसे सूर्य नारायण चील बनकर झपट ले गए। पांचवें रविवार को रानी खुद गई और जाकर तालाब पर खड़ी हो गई। छोटी बहन उसे खुद लेने के लिए आई और पिछले दरवाजे से घर में ले गई। नहलाने के बाद बताया कि उसकी विपत्ति का कारण यह है कि उसने बाबा की कथा सुनने से मना कर दिया था। फिर उसने दीदी को पूरी कथा सुनाई। रानी ने बहुत ध्यान से कथा सुनी और रविवार व्रत करने तक बहन के पास ही रही। और दोनों बहनें बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ सूरज भगवान की आराधना करती। रानी का अनुष्ठान पूरा भी नहीं हुआ था कि उसके दिन फिर गए। से समाचार मिला कि बरसों की युद्ध के बाद उसके पति विजयी होकर अकुट धन लेकर साथ लौट रहे हैं। राजधानी लौटते हुए राजा अपनी साली और बहू से मिलने के लिए वहां रुका। जब उसने सुना कि उसकी रानी भी यही है, तो उसे लेने के लिए उसने पालकी और कुछ दासियां भेजी। नन्हे भांजे चिल्लाते हुए रानी के पास आए तो कहने लगे, मौसी मौसी, तुम्हें लेने के लिए छत्र वाली पालकी आई है, साथ में हाथी घोड़े और सैनिक भी है। सब देखने के लिए बाहर भागे। बरसों के विरह और व्यथा के उपरांत राजा और रानी ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। बहनों ने एक दूसरे को मूल्यवान उपहार और रेशमी वस्त्र दिए। अगले दिन राजा और रानी ने अपने राजधानी के लिए प्रस्थान किया। पहले पड़ाव पर जब खाना बन गया तो रानी ने राजा के लिए और अपने लिए थाल परोसे। तभी उसे बहन से सुनी हुई कथा याद आई। उसने नौकरों को आदेश दिया कि वे पास के गांव में जाए और किसी निर्धन को लाए जो भूखा हो। गांव में उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला, पर वापस आते समय उन्हें एक भूखा लकड़हारा मिल गया। वे उन्हीं को रानी के पास ले आए। रानी ने 6 मोती निकाले, 3 लकड़हारे को दिए और 3 अपने हाथ में रखे। फिर रानी ने उसे अपने पिता और वन देवियों की कथा सुनाई। लकड़हारे का रोम रोम कान बन गया। कथा सुनते ही उसके गड्डर की सारी लकड़ियां सोने की हो गई।
उसने शपथ ली कि वह पूर्ण विधि विधान से सूर्य नारायण का अनुष्ठान करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वन देवियों ने ब्राह्मण को सिखाया था। अगले दिन राजा रानी ने दल बल के साथ फिर पड़ाव डाला। खाना बन गया तो रानी ने राजा के लिए और अपने लिए खाना परोसकर सेवकों को किसी निर्धन और भूखे को लाने का आदेश दिया। आज वे एक किसान को लाए जिसकी फसल मुरझा गई थी और कुआं सूख गया था। रानी ने 6 मोती निकाले, 3 किसान को दिए और 3 अपने हाथ में रखे। फिर उसने उसे अपने पिता और वन देवियों की कथा सुनाई। कथा संपूर्ण होने से पहले ही उसकी फसल फिर से हरी भरी हो गई और सूखे कुएं में पानी भर आया। वापस जाते समय उल्लसित किसान ने शपथ लिखी, वह संपूर्ण विधि विधान के साथ सूर्य नारायण का अनुष्ठान करेगा जैसा कि वन देवियों ने ब्राह्मण को सिखाया था। तीसरे पड़ाव पर रानी ने एक बुढ़िया को सूरज भगवान की कथा सुनाई। बुढ़िया का बेटा जंगल में खो गया था, दूसरा तालाब में डूब गया था और तीसरा सांप काटने पर मर गया था। रानी की कथा सुनते ही बुढ़िया के तीनों बेटे एक एक करके पड़ाव पर आ गए। बुढ़िया खुशी के आंसू बहाते हुए वहां से गई। उसने प्रण किया कि वह सूरज भगवान की उसी विधि से आराधना करेगी जो वन देवियों ने ब्राह्मण को सिखाया था। चौथे पड़ाव पर रानी के चाकर एक हाथ पाव विहीन आदमी को लाए। उसकी आंखें इतनी कमजोर थी कि उसे मुश्किल से ही कुछ दिखता था, यहाँ तक कि उसका कोई नाम भी नहीं था। लोग उसे लोथ कहते थे। चाकरों ने उसे जब देखा तब वह मुंह के बल पड़ा था। वे उसे उठाकर पड़ाव पर ले आए। रानी ने उसे नहलवाया और नए कपड़े पहनने को दिए। फिर उसने 6 मोती निकाले, 3 लोथ के पेट पर रखे और 3 अपने हाथ में रखे। फिर उसने उसे अपने पिता और वन देवियों की कथा सुनाई। अपाहिज आदमी ने पूरा श्रद्धा से कथा को सुना। कथा सुनते ही उसके हाथ पैर निकल आए और इसके आंखों की जोत भी लौट आई। वो भी जाते समय अति प्रसन्न होकर गया। उसने शपथ लिया कि वह सूर्य नारायण की विधि पूर्वक आराधना करेगा जैसे कि वन देवियों ने ब्राह्मण को बताया था। अगले दिन राजा और रानी अपनी राजधानी पहुंच गए। वे महल में भोजन करने के लिए बैठे तो सूरज भगवान स्वयं प्रकट हुए और उनके साथ भोजन करने की मनसा दर्शाई। राजन ने महल के सारे दरवाजे खुलवा दिए और अनेकानेक उत्कृष्ट व्यंजन बनाने का आदेश दिया। प्रत्येक पकवान को 6 अलग अलग खुशबुओं के साथ परोसा गया। सूर्य नारायण और राजा खाने के लिए बैठे। सूर्य नारायण को पहले कौर में ही एक लंबा बाल दिखा। वह क्रोधित होकर चिल्लाए, यह किस अधम स्त्री का बाल है? रानी भय से पीली पड़ गई। उसे याद आया कि अपनी विपत्ति के 12 वर्षों में वह उल्टे के नीचे बैठकर कंघी किया करती थी। संभवतः वह उसी का बाल है। वह सूरज भगवान के पैरों में गिर पड़ी पर सूरज भगवान ने उसे माफ नहीं किया। अंततः रानी ने मोटी मोटी कंबल ओढ़ी, उल्टी में से एक एक लकड़ी निकाली और उस लकड़ी और बाल को शहर के बाहर ले जाकर अपने बाएं कंधे के ऊपर से फेंका। तब कहीं सूर्य नारायण का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने भोजन ग्रहण किया। ब्राह्मण, राजा, रानी, उनके बच्चे, मंत्री की पत्नी लकड़हारा, किसान, बुढ़िया और वह आदमी जिसे लोथ कहा जाता था, सभी को सूर्य नारायण की अनुकंपा से लंबी आयु मिली। जब तक वो जिए, सुख से जिए। तो सभी प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।